ओके सो गाइस, गेस्ट हाउस आने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद थोड़ा सोने का प्लान था, लेकिन शायद शनाया को एयर सिकनेस हो गया क्योंकि वो फ्लाइट में तो बिल्कुल नहीं रोई थी। टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम कोई इशू नहीं था, उसके बाद गेस्ट हाउस तक आके भी वो बिल्कुल आराम थी। फिर उसके बाद हमने उसको फीड करने का ट्राई किया तो सडनली बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर हमने उसको बाहर घुमाया तो चुप हो रही थी, वापस रूम में ला रहे थे रो रही थी, तो हमें समझ नहीं आया हो क्या रहा है। बट फाइनली उसको फिर हमने मसाज किया, नेहा ने उसको बात दिया तो जाके वो चुप हुई, और उसको अभी फीड करके सुला दिया है। अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी क्योंकि हमें जाना है किसी के घर, तो वहाँ के लिए हमको अभी जल्दी जल्दी रेडी होना है क्योंकि हम काफ़ी लेट चल रहे हैं ऑलरेडी। चलो गाइज, अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल सब लोग, और शनाई इज़ ऑल्सो फीलिंग बेटर अभी थोड़ा। इससे पहले हम लोग किसी के घर गए थे, ऑलमोस्ट अराउंड 1 बजे गए थे, अभी जस्ट वहाँ से वापस आए, थोड़ा फ्रेश हुए, शनाई का डायपर एंड ऑल चेंज किया, और अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। आई एम वेरी एक्साइटेड, कितने सालों बाद जा रहे हैं, मुझे तो याद, आई गेस जब कॉलेज में थे तब जा रहे हैं। जो शांति गोल्डन टेम्पल में जाके मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। चलो गाइज, वी आर ऑल सेट, अभी हम ई रिक्शा में बैठ गए हैं, यहाँ से आके हम जा रहे हैं डायरेक्ट गोल्डन टेम्पल। भाई साहब ट्रैफिक देखो तुम, यहाँ मतलब पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, कहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। तो गाइज, इस रिक्शा में है मैं, शनाया और मम्मी, और पापा आ रहे हैं दूसरे रिक्शा में। शनाया ए अभी शी इज़ फीलिंग मच बेटर अभी। तो ना कहाँ आया, हेलो हेलो हेलो, चलो गाइस हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, एंट्रेंस एक यहाँ से एंट्रेंस है, लेकिन हम ये वाली एंट्रेंस पे जा रहे हैं। गोल्डन टेम्पल पूरा बदल गया है, मतलब मेरे को तो याद भी नहीं आया हम कहाँ से कैसे आए, और काफ़ी टाइम भी हो गया यहाँ आए हुए। सो गाइस, यहाँ पे हमने दिए अपने जूते सब लोगों ने, अब वहाँ पे शायद हाथ पांव धोएंगे और फिर जाएंगे अंदर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभम। गुर परसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। सोचे सोचे ना होवे जे सोचे लखवा, चुप चुप ना होवे जे लाई रहा लिवता। पुखे आ पुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भा। सो गाइस, बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए जब हम अंदर गए थे, तब अरदास भी हो रही थी तो बहुत ही अच्छा लगा। लुक एट द नाइट व्यू गोल्डन टेम्पल का, मतलब हर एक टाइम का ना अलग व्यू है। ये रात का, अब अर्ली मॉर्निंग आओ आफ्टरनून आओ, डिफरेंट टाइप के व्यूज मिलेंगे आपको। शनाया काफ़ी टाइम से थी लाइन में, तो अब उसे भूख लग पड़ी है तो उसको थोड़ा फीड करते हैं फिर चलेंगे बाहर।
चलो गाइस, दर्शन वगैरह हो गए अच्छे से और फोटोज वगैरह ले लिए, अभी चलते हैं घर। शायद डिनर करके जाएंगे, शायद पंजाबी डिनर खाएंगे आज फुल। आज गाइस बैसाखी भी है तो वो करके गोल्डन टेंपल पूरा भरा पड़ा है, देखो फुल ऑन। हम लोग जा रहे हैं अपने गाड़ी के पार्किंग के पास अभी। ये गाइस, आप जैसे ही गोल्डन टेंपल से बाहर निकलते हो आपको ये मार्केट दिखेगी, जो कि सबसे फेमस मार्केट है यहाँ पे। काफ़ी शॉपिंग शॉपिंग करने को भी होता है आप लोगों के पास। यहाँ गाइस बहुत ही फेमस लस्सी मिलती है, तो ये जो हमें पूरा गाइड कर रहे हैं उन्होंने बोला कि एक एक गिलास पी लो, तो उसी का डिस्कशन चल रहा है अब कि कौन कितने गिलास पिएगा। अपोलो फार्मेसी मिली है गाइस, थोड़ा शनाया का सामान लेना है वो ले लेते हैं, क्योंकि बाद में पता नहीं मेडिकल से कहीं कुछ मिलेगा भी या नहीं और अवेलेबिलिटी यहाँ भी होगी या नहीं, पता नहीं। कल रात को तो गाइस आते ही ऐसा सोए ना, मतलब उफ, क्योंकि रात को 2 बजे के उठे थे तो सब लोग आते ही ऐसे खाना खा के आउट है। अभी उठे हैं हम लोग, सो अब करते हैं आज की तैयारी, क्योंकि आज हमें निकलना है जलंधर। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ही एंड और नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभम गुर परसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच।